सॉरी फ्रीक्वेंटली बार बार, कसरत से और बार बार, ठीक है। किसी ऐसी चीज को बैन करने के लिए जो मुसलसल हुआ करती थी या बार बार हुआ करती थी ड्यूरिंग अ पीरियड इन द पास्ट, पास्ट में किसी वक्त, पास्ट में किसी वक्त, यानी माजी में किसी वक्त जो है कोई काम मुसलसल हुआ करता था या बार बार हुआ करता था। माफ कीजिएगा, to express something that happened continuously, to express something that continuously happened presently, during a bright and in the past. कोई काम मुसलसल या बार बार हुआ करता था पास्ट में, ये बताने के लिए। अच्छा, इसका इस्तेमाल अगर पॉजिटिव में करेंगे तो आप, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर बनाएंगे तो आप सब्जेक्ट के बाद यूज्ड टू लेकर आ जाएंगे और फिर इन्फिनेटिव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर, सैमुएल यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल व्हेन ही वाज एट स्कूल। सैमुएल बास्केटबॉल खेला करता था जब वो स्कूल में था। सैमुएल बास्केटबॉल खेला करता था जब वो स्कूल में था। मिसाल के तौर पर, आप डर्बन में पढ़ते थे, आप फारिग हो गए, दो चार पांच साल के बाद आप घूमने आए अपने साथियों के साथ, तो अब आप बता रहे हैं सबको कि ये वो दुकान थी जहां मैं चाय पीने जाया करता था, ये वो दुकान थी जहां मैं नहारी खाया करता था, ये वो दुकान थी जहां से मैं नाश्ता किया करता था और पैसे भी नहीं देता था, उधार लिखवा देता था खाते में, ठीक है। और ये भी नहीं पता मुझे कि अभी मैंने उसके पैसे वापस दिए हैं कि नहीं, ये उधार का खाता जो है अभी तक चल रहा है, ठीक है। और फिर आप उस उधार के खाते वाले के पास जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बताइए आपका कितना पैसा है, हमारा नाम निकालिए रजिस्टर में कितना पैसा है। उसने रजिस्टर खोल कर नाम निकाला, उसने बताया कि मुनीर साहब, उसमें जो है ऐसे लिखा हुआ आपका नाम मिसाल के तौर पर मुनीर साहब, और उसमें लिखा हुआ है कि 700 रुपये। आप कह रहे हैं ऐसा कीजिए मैं नाम के आगे कासमी लगा दीजिए, और मैं मौलाना मुनीर साहब कासमी हो गया हूँ। रही पैसों की बात, वो भी रखिए बाद में देते हैं। तो ऐसे जाके कह रहे हैं टाइटल लगाते हुए, तो आप जब साथी से बयान करेंगे तो कहेंगे ये वो दुकान थी जहां पर मैं चाय पिया करता था, मैं चाय पिया करता था, ये वाला हिस्सा कैसे बनाएंगे? I used to drink tea here. मैं यहाँ पर चाय पिया करता था। Yes. ठीक है? Yes. मैं यहाँ पर नाश्ता वगैरह किया करता था। I used to take snacks here. जो हल्का फुल्का नाश्ता होता है उसको बोलो। अच्छा अच्छा, ठीक है, कासमी साहब समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जब नेगेटिव बनाएंगे यानी मनफी बनाएंगे, तो अब जो है मनफी बनाने के तरीकों में से एक ये है कि आप सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, क्योंकि यूज जो है यूज्ड टू ये पास्ट के लिए आता है जैसा कि यहां पर लिखा हुआ भी है। तो पास्ट जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, फिर यूज्ड टू में जो डी है यानी कि जो सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है उसको हटाकर फिर फर्स्ट फॉर्म कर देंगे, डिड यूज टू बोल देंगे। मिसाल के तौर पर, ही डिड यूज टू, सैमुएल यूज्ड टू, ठीक है, ही डिड यूज टू स्टडी बिफोर एन एग्जाम बट नाउ ही डज। ही डिड यूज टू स्टडी बिफोर एन एग्जाम, इम्तिहान से पहले वो पढ़ा नहीं करता था, पढ़ाई नहीं किया करता था, बट नाउ ही डज, लेकिन अब वो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे जब इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे, तो डिड को पहले लेकर आएंगे फिर उसके बाद सब्जेक्ट और यूज टू लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पर, Did you used to go to college? क्या आप कॉलेज जाया करते थे? When you were in London, जब आप लंदन में थे, जब आप देवबंद में थे, तो क्या आप क्लास जाया करते थे? या बस कमरे पर ही सोते रहा करते थे? ठीक है? Did you go to class when you were in देवबंद or when you were in madrasa? ठीक है, जब आप मदरसे में थे, तो क्या आप
क्लास जाया करते थे, ये पूछ रहे हैं। यस ऑफ कोर्स। तो अब आप देखें इसकी कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पर देखें नीचे तफसील से। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में सब में यानी के पॉजिटिव वाला जो आता है इसमें यूज्ड टू ही आता है। यूज्ड सेकंड थर्ड फॉर्म आती है इसकी, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मिसाल के तौर पर आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहा करता था। आई यूज्ड टू स्मोक, मैं स्मोकिंग किया करता था। But I gave up 2 years ago. लेकिन 2 साल पहले मैंने तर्क कर दी। To give up के माने छोड़ देना, तर्क कर देना। तो I used to smoke, मैं smoking किया करता था, यानी सिगरेट पिया करता था, सिगरेट नोशी किया करता था। But I gave up 2 years ago. लेकिन मैंने 2 साल पहले उसको तर्क कर दिया। He used to deliver newspaper. He used to deliver newspapers. But he owns the shop now. वो न्यूज़पेपर्स को डिलीवर किया करता था, वो न्यूज़पेपर्स को पहले डिलीवर किया करता था। बट ही ओन्स द शॉप नाउ, लेकिन अब वो उस दुकान का मालिक है। इसमें आप अगर देखेंगे इन तमाम सेंटेंसेस में तो आमतौर पर इससे इस बात की तरफ इशारा होता है कि पहले कोई किसी काम को किया करता था, अब हालात तब्दील हो गए हैं, अब हालात तब्दील हो गए हैं, या आदत तब्दील हो गई है, या सूरत हाल में कोई चेंजिंग आ गई है। ये आमतौर पर मफहूम होता है इसके साथ था। We used to go sailing on the lake in the summer. To go sailing, तैराकी वगैरह करने के लिए जाना, तैराकी करने के लिए जाना, to go sailing. We used to go, हम जाया करते थे sailing, तैराकी करने के लिए, on the lake, झील पर। ठीक है, on the lake, झील पर, in the summer, गर्मी के मौसम में। He used to come here before, पहले वो यहाँ आया करता था। पहले वो यहाँ आया करता था, पहले वो यहाँ खूब आया करता था, लेकिन जब से जॉब लगी है, पैसा वैसा कमाने लगा है, या जब से शादी हुई है, जब से वो नहीं आता। ठीक है, अब वक्त जो है कहीं और सर्फ हो रहा है, या ये है कि अब पैसे आ गए हैं तो अब हमारे पास उठना बैठना बंद कर गया। इस तरह की बातें आप बोलते हैं। ही यूज्ड टू कम हियर बिफोर, वो पहले यहाँ आया करता था, बट नाउ ही डजंट, लेकिन अब नहीं आता। He used to tell lies before. पहले वो झूठ बोला करता था, but now he doesn't. लेकिन अब नहीं बोलता है, अब सुधर गया, शरीफ हो गया है। I used to enjoy gardening. मुझे गार्डन का काम करना, gardening या gardener, gardener बोलते हैं जो बाग के गार्डन के माली होते हैं, जो फूल वगैरह तराशते हैं, फूल को सवारते हैं और बाग को खूबसूरत बनाते हैं। ठीक है, कटाई छटाई का काम करते हैं बाग में, उसको बोलते हैं gardener. और गार्डनिंग करना उसी को बोलते हैं। ठीक है, खेत वगैरह, वो बाग वगैरह की देखभाल करना, उसको क्या बोलते हैं, गार्डनिंग करना। आई यूज टू एंजॉय गार्डनिंग, मुझे गार्डनिंग करने में मजा आता था, एंजॉय करता था मैं उसको। बट आई डोंट हैव टाइम फॉर इट नाउ, लेकिन अब मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। दे ऑलवेज यूज टू रिंग मी एंड से व्हाट दे वर डूइंग। दे ऑलवेज यूज टू रिंग मी, टू रिंग समबडी, टू कॉल समबडी। टू रिंग समबडी का मतलब टू कॉल समबडी। They always used to ring me. वो मुझे हमेशा कॉल किया करते थे and say, और बतलाया करते थे, कहा करते थे what they were doing, जो कुछ वो कर रहे होते थे। ठीक है, वो हमेशा मुझे कॉल करके मुझे बतलाया करते थे कि वो क्या कर रहे थे। That's what my father always used to say. That's what my father always used to say. ये वो बात है जो मेरे वालिद हमेशा मुझसे कहा करते थे। That is what, ये वो बात है जो, यहाँ पर वर्ड जो है सवाल के लिए नहीं, यहाँ पर वर्ड जो है इसमें मौसूल, इसमें मौसूल है, अल्लज़ी के माने में है जी। वो बात जो, दिस व्हाट, ये वो बात है जो मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा कहा करते थे। आई यूज टू थिंक दैट इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया टू लिव देयर। आई यूज टू थिंक, मैं सोचा करता था, दैट इट वुड बी अ ग्रेट आइडिया, ये बड़ा ही अच्छा ख्याल होगा टू लिव देयर, वहां रहना, कि वहां रहना जो है बहुत बड़ी बात होगी या बहुत अच्छा ख्याल होगा मेरा। अच्छा जी, she used to work for a large insurance company. She used to work, वो काम क्या करती थी, for a large insurance company, एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के लिए। Large. Jerry always used to go for a run before breakfast. Jerry हमेशा नाश्ते से पहले दौड़ के लिए जाया करता था। Jerry always used to go for a run. Jerry हमेशा दौड़ के लिए जाया करता था।
बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले. इन तमाम सेंटेंसेस में आपने एक ही इस्तेमाल देखा, वो क्या? यूज्ड टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पास्ट में आप कोई काम किया करते थे, और इन तमाम सेंटेंसेस में जो आपका यूज्ड टू है ये हमेशा अफर्मेटिव रहा है. चलिए अब इसका इस्तेमाल कुछ नेगेटिव में देखते हैं. नेगेटिव के सेंटेंसेस ये हैं. नेगेटिव बनाने के लिए इसके दो तरीके होते हैं. देखें मैं आपको बता दूं ताकि आपके लिए क्लियर. मिसाल के तौर पर मैं स्मोकिंग नहीं किया करता था. I didn't smoke. एक तरीका ये है, लेकिन इसका सेमी मॉडल वाला तरीका ये है. I used not to smoke. ठीक है, I used to smoke. मैं स्मोकिंग किया करता था. मैं स्मोकिंग नहीं किया करता था. अब इसको बनाने के दो तरीके हैं. या तो ये कि आप हेल्पिंग वर्ब से बनाएं इसको, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब ले आए, डिड पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल पास्ट ही आप उससे बनाएं, तो ये बन जाएगा क्या? आई डिडंट यूज. फिर जब डिडंट यूज कर देंगे तो काबिले गौर बात यह है कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, यूज्ड नहीं बोलेंगे, यूज बोलेंगे. आई डिडंट यूज टू स्मोक, मैं स्मोकिंग नहीं किया करता था. दूसरा तरीका यह है कि यूज टू को यूज टू ही रखें, बस नॉट लगा दो उसी में. आई यूज्ड नॉट टू स्मोक, मैं स्मोकिंग नहीं किया करता था. ठीक है, आई यूज नॉट टू स्मोक, मैं स्मोकिंग नहीं किया करता था. इस तरीके से आप बना सकते हैं. समझ में आ रही बात मोहतरम हजरत? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी. ये वाली बात अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठा कर कहेंगे हाँ आ गई समझ में. वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू. ठीक है, तो हमें बोलना है मिसाल के तौर पर वो यहाँ आया करता था, वो पहले यहाँ आया करता था. He used to come. कैसे बोलेंगे? He used to come here before. पहले यहाँ आया करता था. अब इसको नेगेटिव बनाना, वो पहले यहाँ नहीं आया करता था. He used not to come here before. ठीक है ना? हलन तुम समझ तुम? नाम तो नाम समझ गए. वेरी गुड, चले आगे. He used not to come here before. वो पहले यहाँ नहीं आया करता था. ये वाला तरीका फॉर्मल है, यानी कि किसी मुहज़्ज़ब बातचीत में, बड़ों के सामने बातचीत में, ये लिखने वगैरह में ये तरीका ज्यादा राइज है. लेकिन बोलचाल में ये तरीका कम राइज है, लेस कॉमन, कम राइज, कॉमन इतना कॉमन नहीं. ये वाला तरीका ही यूज्ड नॉट टू कम हियर बिफोर, इसी को यू भी बना सकते हैं. ही डिडंट यूज टू कम हियर बिफोर.